हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मैं नहीं बताऊंगा। स्वागत है आपके एक और नए ब्लॉग में। तो आज लगातार 2 दिन हो गए हैं और बर्फबारी अभी तक रुकी नहीं है। अच्छा, तो ठंड काफ़ी लग रही है। पेरेंट्स ने मेरे को लकड़ियाँ काटने को बोला है, तो अभी मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। ये बुआया जस्ट मैं 1 मिनट हुआ बाहर आए हुए। ये मेरे सिर पे देखो कितनी बर्फ़ जमा हो गई है। लगातार 2 दिन से बर्फ़ पड़ रही है। अभी कितनी पड़ेगी भाई पता नहीं। ऐसा होता है पहाड़ों में जीना। अच्छा, स्ट्रगल करना पड़ता है लेकिन मज़ा काफ़ी आता है। तो चलिए लकड़ियाँ काटते हैं, उसके बाद मिलते हैं। Thousand years later. दोस्तों आपने बर्फ तो देखी होगी काफी ज्यादा। नहीं अभी तो मुझे बचपन की यादें पुरानी आ गई। यहाँ से छलांग मारने का मन कर रहा है। से ना हो पाएगा, बट कैसे मारूं, घर वाले देख रहे हैं भाई। अभी आज से फिर वही यादें हम ताजा करने वाले हैं। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। भाई मतलब पूरे पैर चले गए भाई अंदर। उई। ओ भाई साहब, मतलब कूद के तो मजा आ गया काफी। बचपन के पुराने दिन वो याद हो गए। लेकिन भाई जो कूदा जब मैं ना और बीच में पहुंचा ना, उस टाइम तो मेरे को ऐसा लगा मतलब भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई पता नहीं मैं कहाँ से कूद रहा हूँ भाई, मेरे टांग वांग टूटेगी। लेकिन बर्फ नरम है आज काफ़ी, एकदम ताज़ी बर्फ है तो इसमें उतनी लगती नहीं है। बट आप ऐसा कुछ करिएगा मत, कहीं आपको ना लग जाए। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो अभी तो दोस्तों मेरा मन तो मुर्गे पकड़ने जाने का था। ये आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, इधर जाना चाहता था मैं, लेकिन पेरेंट्स मेरे को लो नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है और साथ में इधर अभी फॉग भी है, तो जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, शेर वेर निकल जाता है ऐसे मौसम में। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के बगैर बिल्कुल मत जाना यार।